हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको लगभग पिछले 6 महीने में अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक की सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताऊंगा। याद रखिए, ये अपॉइंटमेंट नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं और 6 महीने की हैं, लगभग 100 के आसपास हैं। बस इतनी ही आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखनी। तो ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं बना रहा हूँ, और तो शुरू करते हैं वीडियो। स्टडी आई क्यू की जो सेल है वो 12 तारीख से 18 तारीख तक है। पेनड्राइव कोर्सेज के लिए हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरह आप घर बैठे वीडियोस के रूप में सारे हमारा जो सिलेबस है वो खत्म कर सकते हैं इन एग्जाम्स का। यूपीएससी, बैंक पीओ, एसएससी, जेई, हमने यूजीसी नेट का भी लॉन्च कर दिया है पेपर वन का। आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मैंने क्विज स्टार्ट कर दिए हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं गौरव गर्ग 888। सबसे पहला सवाल है कि जो कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड किसे अपॉइंट किया गया है? ONGC बोर्ड में कौन बने हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर? इनका नाम है संबित पात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्समैन हैं। और ONGC जो कंपनी है उसके अगर पूछें चेयरमैन कौन है तो आंसर है शशि शंकर। ईमान अल घमीदी, ये पहली महिला बनी है एक जिनको बहुत ही ऊंचा पद दिया गया है, सरकारी पद, कौन से कंट्री में? ये असिस्टेंट मेयर बनी है अल खुबार नाम की जगह की, अल खुबार की असिस्टेंट मेयर। तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने एक विजन इनका है 2030 तक, और वो ये कि सऊदी अरब में जो लेबर मार्केट है उसमें महिलाओं का जो नंबर होना चाहिए वो 30% होना चाहिए पूरी वर्कफोर्स का, ये उनका टारगेट है। इनमें से अरुंधति भट्टाचार्य के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25वां चेयरमैन कौन बना? इनका नाम है रजनीश कुमार। वैसे अरुंधति भट्टाचार्य पहले ही रिटायर हो जानी थी, पर इनका एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था क्योंकि जो SBI का मर्जर होने वाला था अपने 5 बैंकों से और भारतीय महिला बैंक से, तो उसको ओवरसी करने के लिए अरुंधति भट्टाचार्य को एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था। सो रजनीश कुमार 3 साल के लिए SBI के चेयरमैन हैं। ब्रेंडा हेल, ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है किस देश के सुप्रीम कोर्ट की? ये देश है UK। एक बात और बता देता हूं, यहां पे एक व्यक्ति है जिल ब्लैक, ये बने हैं, ये दूसरे फीमेल जस्टिस बनी है UK के सुप्रीम कोर्ट में। जिल ब्लैक दूसरी महिला जस्टिस बनी है और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है ब्रेंडा हिल। इससे मुझे याद आया अभी अभी, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो जीना हेस्पल ये अमेरिका में पहली महिला CIA डायरेक्टर बनी है। कौन सा कंट्री है जिसने जफर महमूद अब्बासी को अपना नेवी का चीफ बनाया है? ये कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी होता है आर्मी का चीफ, और वहां आर्मी के चीफ है कमर जावेद बजवा, ये है पाकिस्तान आर्मी के चीफ। इनमें से WHO की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन बनी? इंडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये WHO में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर जनरल के बाद। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम इथोपिया के, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन। इससे पहले ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की प्रेसिडेंट थी ICMR की, अब ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है WHO की। ये वैसे कौन है आप जानते हैं? आपने MS स्वामीनाथन का नाम सुना है, जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोलते हैं, हरित क्रांति के जनक, ये उनकी बेटी है। तो MS स्वामीनाथन की 3 बेटी हैं, उनमें से एक है सौम्या स्वामीनाथन। इनमें से FTII का चेयरमैन गजेंद्र चौहान जी के बाद कौन बना है? गजेंद्र चौहान जो है ये वही है जिन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का रोल करा था, युधिष्ठिर महान एक्टर गजेंद्र चौहान। नए चेयरमैन बने हैं श्री अनुपम खेर। इससे पहले ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी चेयरमैन रह चुके हैं और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण दोनों मिले हुए हैं अनुपम खेर को। इनमें से US इंडिया बिजनेस काउंसिल की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है, और ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है निशा देसाई बिस्वाल। 1975 में बना था भारत और अमेरिका के बीच में बिजनेस को मजबूत करने के लिए। फेसबुक के जो भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर थे उमंग बेदी, इन्होंने रिजाइन कर दिया, इनका स्थान किसने लिया? अब ये उमंग बेदी ने कंपनी ज्वाइन कर ली है जिसका नाम है डेली हंट।
डेली हंट, तो इनकी जगह बने संदीप भूषण, फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। यूनेस्को की नई डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? फ्रांस की हैं ये, इनका नाम है ऑड्री अजोले, ऑड्री अजोले, और इन्होंने रिप्लेस करा इरीना बोकोवा को, इरीना बोकोवा, और 8 साल का टर्म रिप्लेस किया है। इरीना बोकोवा 8 साल तक यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसको बोलते हैं AMFI, इसके CEO कौन अपॉइंट किए गए? इनका नाम है NS वेंकटेश, और अगर आपको याद हो तो लक्ष्मी विलास बैंक के ये पूर्व CEO थे, NS वेंकटेश। जम्मू कश्मीर में बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार ने अपना इंटरलोक्यूटर किसे बनाया मध्यस्थता करने के लिए? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर हैं IB के, इनका नाम है दिनेश्वर शर्मा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? इनका नाम है सुरेश सेठी, इन्होंने रिप्लेस करा था AP सिंह को। और एक पेटीएम का भी पूछ सकते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो पेटीएम पेमेंट बैंक की है रेनू सती। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चीफ डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इन्होंने रिप्लेस करा मीरान बोरवांकर को, और इनका नाम है AP महेश्वरी। इनमें से टाटा स्टील कंपनी के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? ये पहले इंडिया और साउथ एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे इसी टाटा स्टील के, अब ये ग्लोबल बन गए हैं ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है TV नरेंद्रन। और टाटा कंपनी का चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। कर्नाटक की पहली महिला DGP डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी? इन्होंने रिप्लेस करा रूपक कुमार दत्ता को, इनका नाम है नीलमणि राजू। नए फाइनेंस सेक्रेटरी भारत के किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है हसमुख अधिया, और इससे पहले थे अशोक लवासा जो रिटायर हो गए थे, उसके बाद से पोजीशन काफ़ी टाइम से खाली पड़ी थी। भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत कौन बने? इन्होंने रिप्लेस करा रिचर्ड वर्मा को, और इनका नाम है कैनेथ जस्टर। पहली महिला प्रेसिडेंट नेस्कॉम की कौन बनी? इनका नाम है देवजनी घोष, और ये आर चंद्रशेखर को इन्होंने रिप्लेस करा है। याद रखिए नेस्कॉम की प्रेसिडेंट है ये, चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन है रमन रॉय, दोनों में फर्क है। और ये नेस्कॉम जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इनमें से 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की जो मीटिंग 2020 में होगी नई दिल्ली में, इसके प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है विजय प्रसाद दिमरी। और भारत में इससे पहले 1964 में हुई थी इंडियन जियोलॉजिकल कांग्रेस की मीटिंग, तो काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है, और ये 22वीं मीटिंग थी जो भारत में हुई थी 1964 में, और अब हो रही है 36वीं मीटिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? इन्होंने रिप्लेस करा था धीरेंद्र स्वरूप को, और इनका नाम है सेतुरत्नम रवि, ये चेयरमैन है। और अगर पूछे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है, तो आंसर है आशीष चौहान। पहले एशिया के व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर बनाया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चक्रवर्ती AVPS, और ये हैदराबाद की एक कंपनी है इकोब्लिस के ये फाउंडर हैं। किन्हें अभी अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट के एडवाइजरी बोर्ड पे बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेटलमेंट ने अपॉइंट किया है? ये है उर्जित पटेल, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल। ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक है, 1998 में ये बना था। इनमें से जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ का निचला सदन होता है, लोअर हाउस, UK पार्लियामेंट का हाउस ऑफ लॉर्ड होता है अपर हाउस। तो भारत में जैसे राज्यसभा होता है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, भारत में जैसे हाउस वहाँ पे जैसे हाउस ऑफ कॉमन होता है भारत में, वैसे लोकसभा होता है। इनका नाम है सारा क्लार्क। ये बनी है 650 साल के इतिहास में पहली महिला ब्लैक रॉड। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया फर्स्ट एवर वुमेन पायलट इंडियन नेवी में, फर्स्ट एवर? इनका नाम है शुभांगी स्वरूप। इसके अलावा 3 महिला कैडेट हैं, आस्था सहगल, रूपा ए और साक्ती माया, इन्हें भी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट में वुमेन ऑफिसर बनाया गया था। लेकिन पहली जो जिसे बोलते हैं कि जिन्हें उड़ाने का मौका मिला एक मैरीटाइम रेनेकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, वो है शुभांगी स्वरूप। इनमें से दूरदर्शन न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इनका नाम है ईरा जोशी, और इन्होंने रिप्लेस करा है वीना जैन को। इनमें से सबसे पहली महिला एम्बेसडर UK की UN में कौन गई हैं?
इनका नाम है कैरन पियर्स। कैरन पियर्स इनमें से जो इंडिया का G20 शेरपा है 31 दिसंबर 2018 तक वो किसे बनाया गया? G20 शेरपा, इनका नाम है शक्तिकांत दास। और G20 में दो ट्रैक होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक जिसको मैनेज करता है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो अभी है सुभाष चंद्र गर्ग, और एक होता है इसके अंदर जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट ट्रैक। तो डेवलपमेंट ट्रैक जो है उसे शेरपा मैनेज करता है, पहले अरविंद पंगरिया थे फिर बन गए शक्तिकांत दास। इनमें से आंध्र प्रदेश के नए DGP कौन बने हैं? इनका नाम है N. संबिस्वा राव। एयर इंडिया के चेयरमैन नए कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने रिप्लेस करा राजीव बंसल को, इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। अभी एयर इंडिया का निजीकरण भी होने वाला है तो ये पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये है भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन। ये 1965 में रक्षा मंत्रालय ने बनाया था, ये एक विचार मंच है, थिंक टैंक है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का पहला चेयरमैन कौन बना है? GST के बाद ये बनी थी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, इसके चेयरमैन बने बद्री नारायण शर्मा। 15वां फाइनेंस कमीशन जो है, 15वां वित्त आयोग, इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है? इनका नाम है NK सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2020 से काम करना स्टार्ट करेगा और 31 मार्च 2019 तक चलेगा 14 फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है YB रेड्डी। तो जो अभी कमीशन चल रहा है वो है YB रेड्डी कमीशन। लोकसभा की नई जनरल सेक्रेटरी कौन बनी है? इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की जो स्पीकर हैं वो हैं सुमित्रा महाजन, और लोकसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो हैं एम थंबी दुरई। दिल्ली सरकार का नया चीफ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया? इन्होंने रिप्लेस करा MM कुट्टी को, इनका नाम है अंशु प्रकाश, और इनकी आम आदमी पार्टी के कुछ MLA से हाथापाई भी हुई जैसा कि इन्होंने रिपोर्ट किया। प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है A. सूर्य प्रकाश। तो अंशु प्रकाश और A. सूर्य प्रकाश को कन्फ्यूज नहीं करना है। A. सूर्य प्रकाश एक्चुअली दोबारा बने हैं चेयरमैन, पहले भी यही थे अब भी यही हैं, तो इनको रीअपॉइंट किया गया है दूसरी बार। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये ONGC के चेयरमैन थे पहले, इनका नाम है DK सराफ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का नया डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हैं डायरेक्टर जनरल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बने हैं चेयरमैन, इनका नाम है सुनील कुमार चौरसिया। इंफोसिस कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे बनाया? इंफोसिस कंपनी ने, इससे पहले कैपजेमिनी में थे ये, इनका नाम है सलील पारेख। और चेयरमैन कौन है इंफोसिस के? नंदन नीलेकनी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इससे पहले ये AAAI के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है नकुल चोपड़ा। पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन इंडिया, जो दिव्यांगों के लिए जो हमारी स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, इसके प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है सर्वेश कुमार तिवारी। और ये जो पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन है इसको शुरू करा था प्रदीप राज ने। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है, इसकी डायरेक्टर कौन बनी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है आर हेमलता। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में जो है, इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? हमें जो एड्स एलिमिनेट करना है वो करना है 2030 तक। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने हैं मिस्टर डॉक्टर समीरन पांडा। यूनिसेफ की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इन्होंने एंथोनी लेक को रिप्लेस करा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ में सबसे ऊंचा पद है, इनका नाम है हेनरिएटा फोर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह, ये पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया है? इनके सेक्रेटरी जनरल हैं कुमी नायडू, और ये साउथ अफ्रीका के एक वकील हैं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने रिप्लेस करा सदिल शेट्टी को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कंफ्यूज मत करना, उसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है प्रभात कुमार सिन्हा, और ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि
जो कोल ऑक्शन है अब वो प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खोल दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है मिस्टर अभय, मिस्टर अभय। और ये पोजीशन खाली थी क्योंकि पहले आरआर भटनागर थे पर वो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए थे। आर के पचनंदा है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के। अफ्रीकन पार्क्स का प्रेसिडेंट कौन बना है? अफ्रीकन पार्क्स एक जानवरों को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए एनजीओ है। 2000 साल में बनी थी ये, 18 साल पुरानी। इनका नाम है प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे और ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ये लोकेश चंद्र को रिप्लेस करेंगे। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? ये सारे सरकारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते। अमरदीप सिंह भाटिया इनका नाम है, अमरदीप सिंह भाटिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अधीन काम करती है। इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? इनका नाम है गुरबचन सिंह। और अगर पूछें कि पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कौन है तो उसका आंसर है जस्टिस एच एल दत्तू, जो पूर्व न्यायमूर्ति थे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए ने यूएलएफए से बात करने के लिए सरकार ने अपना इंटरलोक्यूटर किसे बनाया? जैसे जम्मू कश्मीर में बनाया था दिनेश्वर शर्मा को, यहां पे इन्होंने बनाया ए बी माथुर। और आईबी के डायरेक्टर कौन है इस वक्त? आईबी के पूर्व डायरेक्टर जैसे दिनेश्वर शर्मा थे, इस वक्त कौन है? राजीव जैन। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे बनाया गया? हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो है अजीत डोवल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया? इनका नाम है राजेंद्र खन्ना। और ये कौन थे? ये पूर्व रॉ के चीफ थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने एएस किरण कुमार के बाद? ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के चेयरमैन थे इससे पहले, और इनका नाम है के सिवान। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसे अपॉइंट किया गया? ये इंडियन है और हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अचीव करने हैं 2030 तक। इनका नाम है सन्नी वर्गीस। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? इन्होंने रिप्लेस करा मिस्टर ए पी होता को और इनका नाम है दिलीप आसबे। 23वें विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की तरफ से शेफ डे मिशन कौन गया? शेफ डे मिशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे बनाया? ये है हरजिंदर सिंह। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, एनडी बत्रा। ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी एफआईएच के भी प्रेसिडेंट हैं। केरला मैरीटाइम बोर्ड का पहला चेयरमैन कौन बना है? केरला मैरीटाइम बोर्ड ये स्टेट कैबिनेट ने अपॉइंट किया है। इनका नाम है वीजे मैथ्यू। कौन सी भारत की पहली वकील हैं, महिला वकील, जिन्हें डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में? इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। ये पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिन्हें डायरेक्टली जज बनाया गया है वकील से, तो आंसर है इंदु मल्होत्रा। और अगर पूछें कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी तो आंसर है फातिमा बीवी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? ये हैं एस सेल्वा कुमार। यूके की सबसे पहली मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉम्बैटिंग लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन, यानी यूके में अकेलेपन को कम करने के लिए एक विभाग बनाया गया है, इसकी सबसे पहली मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इनका नाम है ट्रेसी क्राउच। नेशनल कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है विजय कुमार। इन्होंने रिप्लेस करा समीर शाह को। मध्य प्रदेश की नई गवर्नर कौन बनी है? ये पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल। इन्होंने रिप्लेस करा ओम प्रकाश कोहली को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ यानी डायरेक्टर जनरल कौन बना है? इनका नाम है सुदीप लखाटिया। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। इन्होंने रिप्लेस करा एसपी सिंह को। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने रिप्लेस करा अचल कुमार ज्योति को। इनका नाम है ओम प्रकाश रावत। और अशोक लवासा जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे पहले, उन्होंने इनकी जगह ली है।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने? इससे पहले थे के सिवान, जो इसरो के चेयरमैन बन गए। तिरुवनंतपुरम में है ये, इनकी जगह ली एस सोमनाथ ने। एस सोमनाथ। यूएस सेनेट ने फेडरल रिजर्व के लिए अपना चेयरमैन किसे बनाया है? अगला, इन्होंने रिप्लेस करा जेनेट येलन को, और इनका नाम है जेरोम पावल। जेरोम पावल। तो अमेरिका में जो भी नई अपॉइंटमेंट हुई है वो याद रखिए, जैसे जो नया वहाँ का विदेश मंत्री बना है, जिनको रिप्लेस करा था रेक्स टिलरसन को, उनकी जगह माइक पोम्पियो को बनाया गया था। जीना हेस्पल नई वुमेन सीआई डायरेक्टर बनी है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? इनका नाम है दिलीप चिनॉय। तो ये है डायरेक्टर जनरल, और अगर पूछें कि सेक्रेटरी कौन है सेक्रेटरी जनरल, तो वो है संजय बारू। संजय बारू। संजय बारू ने किताब लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर अभी एक फिल्म बन रही है, उसमें मनमोहन सिंह का किरदार कौन निभाएगा? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? इनका नाम है नीलम कपूर, और इससे पहले ये DFP यानी डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी की डायरेक्टर जनरल थी। अल्फाबेट कंपनी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? इन्होंने एरिक शेडमेट को रिप्लेस करा है। ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। इनका नाम है जॉन हेनेसी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना शेफ डे मिशन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किसे बनाया? कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। इनका नाम है विक्रम सिंह सिसोदिया। विक्रम सिंह सिसोदिया। इंडियन आर्मी के नए DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पहले थे AK भट्ट, अब कौन है? अब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी, इससे पहले चाइना में हमारे ये राजदूत थे, इनका नाम है विजय केशव गोखले। इन्होंने रिप्लेस करा एस जयशंकर को, और 2 साल के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इनका नाम है सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद महमूद हुसैन, और इससे पहले थे सुरेंद्र कुमार सिन्हा। ICC बोर्ड ने अपना पहला इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है? फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर। ये पेप्सिको कंपनी की ग्लोबल CEO हैं, इनका नाम है इंदिरा नुई। किरण मजूमदार की कंपनी है बायोकॉन। चंदा कोचर ICICI बैंक की प्रेसिडेंट है। अरुंधति भट्टाचार्य SBI की चेयरमैन थी। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अगले चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इन्होंने रिप्लेस करा प्रोफेसर सुदर्शन राव को, इनका नाम है अरविंद जामखेड़कर। अशोक दास भारत के राजदूत बने हैं कौन से देश में? ये भारत के राजदूत हैं ब्राजील में। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम का वाइस चांसलर किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है विनोद कुमार जैन। राज्यसभा TV के एडिटर इन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है राहुल महाजन। विनय कुमार भारत के कौन से देश में राजदूत बने? ये बने अफगानिस्तान में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनय कुमार अफगानिस्तान में। कौन से भारतीय मूल के स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर हैं जिन्हें एक काउंटर टेररिज्म चीफ बना दिया है UK ने? इनका नाम है नील बसु, और ये रिप्लेस करा इन्होंने मार्क राउली को। पहली महिला कमांडर एक वॉरशिप स्क्वाड्रन की जापान में कौन बनी है? फर्स्ट एवर। ये 4 शिप्स को कमांड करेंगी, इनका नाम है रियोको अजुमा। कौन से हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया है? ये है सुरेश प्रभु, और एडिशनल चार्ज जो होता है वो उसके लिए पुराना वाला मंत्रालय छोड़ना नहीं पड़ता, तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बने रहेंगे, वाणिज्य मंत्री बने रहेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार के गवर्नर सत्यपाल मलिक को उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया है, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। PIB के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इन्होंने रिप्लेस करा फ्रैंक नोरोना को, इनका नाम है सितांशु कार। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप ने किसे बनाया है गैरी कोहन को रिप्लेस करके? ये है लैरी कुडलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। भारत के हैं अरविंद सुब्रमण्यम। पाकिस्तान एयरफोर्स का नया चीफ कौन बना, यानी 22nd चीफ? इनका नाम है मुजाहिद अनवर खान। मुजाहिद अनवर खान। अतुल गोतसुर्वे ये भारत के कौन से देश में राजदूत बने हैं? ये बने हैं नॉर्थ कोरिया में, जिसे बोलते हैं DPRK यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उड़ीसा के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? सत्यपाल मलिक, जो बिहार के गवर्नर हैं, और इससे पहले थे SC जामिर, जो रिटायर हो गए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया? ये इन्होंने बनाया जॉन बोल्टन को, और इन्होंने रिप्लेस करा HR मैकमास्टर को, इससे पहले थे HR मैकमास्टर। आयुष्मान भारत का पहला CEO कौन बना है? आयुष्मान भारत जो स्कीम स्टार्ट हुई है, जिसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा साल का, इनका नाम है इंदु भूषण। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय सरकार के कौन बने हैं, इन्होंने रिप्लेस करा है आर चिदम्बरम को, जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, इनका नाम है के विजय राघवन। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं, ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज भी हैं, इनका नाम है जस्टिस जवाद रहीम। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री ये तीसरी बार बने हैं, निफ्यू रियो, इससे पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस और ये एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन है। इससे पहले थे टी आर जेलियांग, जिनकी पार्टी थी नागा पीपल्स फ्रंट। गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, डेप्यूटी नितिन पटेल। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुनाव के बाद जयराम ठाकुर, इससे पहले थे वीरभद्र सिंह, ये नई सरकार आई थी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, सबसे कम उम्र की महिला प्राइम मिनिस्टर हैं ये, इनका नाम है जैकिंडा आर्डन। ये तीसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं और सिर्फ 37 साल की हैं। इन्होंने रिप्लेस करा था बिल इंग्लिश को। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट दोबारा किसे अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, ये इनका नाम है बीरेंद्र प्रसाद बैश्य और ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। पहले सिख मेयर कौन बने होबोकन सिटी के, न्यू जर्सी अमेरिका में, इनका नाम है रविंदर सिंह भल्ला, रविंदर सिंह भल्ला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से कौन जज इलेक्ट हुए, भारत की तरफ से इलेक्ट हुए थे मिस्टर दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी। इन्होंने ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को हराया था चुनाव में और आईसीजे के प्रेसिडेंट है रोनी अब्राहम। पहली महिला मेयर संयुक्ता भाटिया 100 साल के इतिहास में कौन से शहर की बनी, यह बनी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भारतीय जनता पार्टी की। पहली सिख वुमेन मेयर अमेरिका में कौन बनी है, यूबा सिटी की मेयर बनी है कैलिफोर्निया में, इनका नाम है प्रीत डिडबल, प्रीत डिडबल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी चीफ हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के वाइस चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है शांतनु नारायण और ये है कौन, ये जो कंपनी है एडोबी उसके हेड है, एडीओबीई एडोबी कंपनी के हेड है शांतनु नारायण। साहित्य अकेडमी का प्रेसिडेंट कौन बना है, ये कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, इनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार, कन्नड़ भाषा के ये राइटर हैं। चाइना के प्रधानमंत्री दोबारा किसे इलेक्ट किया गया है, इनका नाम है ले केकियांग। और वैंग कीशान कौन है, वैंग कीशान ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है लाइफ लॉन्ग शी जिनपिंग। म्यांमार के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इससे पहले थे हतिन कयाओ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, नए बने हैं विन मिंट। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, इससे पहले थे माणिक सरकार जो भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री थे, सबसे अमीर है चंद्रबाबू नायडू, दूसरे सबसे अमीर है पेमा खंडू और जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव भारतीय जनता पार्टी के। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन बने, ये 12वें मुख्यमंत्री बने, इनका नाम है कॉनराड संगमा, इन्होंने रिप्लेस करा है मुकुल संगमा को, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, गवर्नर है गंगा प्रसाद। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पिछले 6 महीने के, लगभग 100 अपॉइंटमेंट्स थे और अपॉइंटमेंट्स कभी भी याद करना आसान नहीं होता, कम से कम 250-300 अपॉइंटमेंट में से मैंने ये 100 सेलेक्ट करे हैं, एटलीस्ट ये तो आपको करने होंगे। इसके अलावा जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ हैं, BSF के, CRPF के, CISF के, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फिक्की है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, CBSC है, तो इनके भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश की नई गवर्नर कौन बनी है और भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।